नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं प्रेयर के साथ। नाउ फोल्ड योर हैंड्स। The topic is Grumpy Frog, page number 9। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक है Grumpy Frog, बिंदी पेस्टिंग। कलर द पिक्चर एज शोन एंड पेस्ट कलरफुल बिंदीज ऑन इट। यानी ये जो हमारा कंपोजिशन है फ्रॉग के साथ का, ठीक है, इस सैम्पल की तरह से हमको इसमें यहाँ पर काम करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, आइए जानते हैं कि हमें सामान चाहिए क्या क्या, मटेरियल क्या क्या हमें चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ कलर्स आप देख रहे हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये बिंदी, कलरफुल बिंदीज। अगर नहीं है तो आप कुछ भी चिपका सकते हैं, जो है आपके पास आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टोन्स रखे हैं तो आप स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बिंदी या स्टोन की बात बताई। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए बच्चों, आप आराम से जैसा कलर इन जगहों पर किया हुआ है आप वैसा कलर यहाँ पर कर देंगे। पर सबसे पहले हमेशा की तरह से हम क्या करें, सबसे पहले आउटलाइन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग इस पूरे कंपोजिशन में, इस पूरी ड्राइंग में हम क्या करेंगे, आउटलाइन, सुंदर सुंदर आउटलाइन करेंगे और आराम आराम से बिल्कुल करेंगे, उसमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करते रहिए इसी तरीके से। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने आउटलाइन पूरे कंपोजिशन की कर ली है। अब आउटलाइन करने के बाद बारी आती है कि हमें कलर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस मशरूम में हम यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। मेरे साथ साथ आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, और इस जगह पर बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा हम पिंक लगा देंगे। इसमें भी हम यहाँ पर पिंक या रेड कलर का यूज़ कर देंगे तो ये हमारा मशरूम देखने में और भी सुंदर लगने लगेगा। उसके साथ साथ इस फ्रॉक के अंदर हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, और इसके बॉडी पार्ट में येलो कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस जगह पर ये जो हमारा फोरग्राउंड है, आगे का ग्राउंड है, हमारा ज़मीन है, यहाँ पर येलो कलर, और ग्रास में डार्क ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन, दोनों में से किसी एक कलर का हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से अभी हमको सबसे पहले क्या करना है बेटा, कलर स्टार्ट करनी है। तो कलर स्टार्ट करें हम लोग, इस फ्रॉक से हम स्टार्ट करते हैं कलर करना। मेरे साथ साथ आप भी कलर करना स्टार्ट करिए, और जिस तरह की कलर स्कीम मैंने आपको बताई है वो कलर स्कीम आप फॉलो करते जाइए, यानी करते जाइए। इस काम को आगे करना है आपको, पूरे में कलर, पहले कलर, बाद में, सबसे बाद में हम बिंदी की पेस्टिंग
करेंगे। अब हम इस जगह पर ब्राउन का टच देंगे और बड़े आराम आराम से धीरे धीरे आपको करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना आप, तो आराम आराम से आपको कलर इसमें फिल करना है। करते रहिए। इसके बाद इन जगहों पर हम हल्का हल्का सा ब्राउन लगाएंगे, पिंक कलर, सॉरी पिंक कलर बेटा, पिंक कलर लगाएंगे हम लोग, और इन सभी जगहों पर हम पिंक कलर का टच देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कलर तो सारा हो गया है ना, अब क्या करें हम लोग, अब हम बिंदी की पेस्टिंग करेंगे। तो जैसी भी हमारे पास बिंदियाँ हैं, हम वैसी बिंदी को एक एक करके इन सर्कल्स के अंदर पेस्ट करते चले जाएंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी सी आपकी ये एक्टिविटी है। मेरे साथ साथ आप इस बिंदी पेस्टिंग की एक्टिविटी को करिए बेटा, करते रहिए बराबर इसी तरीके से। एक बिंदी को निकालिए और फिर उस बिंदी को पेस्ट करना है, करते रहिए बेटे। तो बेटा ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारी बिंदियाँ चिपका ली। अब तो ये बहुत थोड़ी सी सी रह गई हैं चिपकाने के लिए। चलिए इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी तरह से आप इसमें कलर फिल करेंगे। पहले कलर फिल करने के बाद सबसे पहले तो आउटलाइन करनी होगी आपको, आउटलाइन, और आउटलाइन करने के बाद कलर फिल करेंगे। और कलर फिल करने के बाद आप इसमें बड़े आराम से धीरे धीरे बिल्कुल इसमें एक एक करके बिंदी की पेस्टिंग को आपको करना है बेटा, करते जाओ। बस दो तीन ही तो बिंदियां रह गई हैं चिपकाने के लिए, अभी ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। और अगर बिंदियां कम पड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, जो आपके पास है आप वैसी ही पेस्ट इसमें कर देना। ये लीजिए, और ये लास्ट बिंदी बस पेस्ट करने के लिए रह गई। तो इतनी सुंदर सी हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। इतना ही सुंदर सा बच्चों ये पूरा कंपोजिशन तैयार करके आप हमें सेंड करेंगे, और इसकी पिक देना बिल्कुल भी मत भूलना, और डेट भी डालना, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टाटा बाय, फिर मिलेंगे।